गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग मामले में सलमान खान का बयान दर्ज करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच। राजस्थान ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया, बटलर की सेंचुरी से 224 रन बनाए, कोलकाता से सुनील नरेन ने लगाया शतक। राहुल गांधी चुनावी चंदा, सबसे बड़ी उगाही की स्कीम। म्यांमार नेता आंग सान सू की स्वास्थ्य कारणों से जेल से बाहर, सेना ने किया हाउस अरेस्ट। चुनाव आयोग ने बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव को भेजा नोटिस, कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी का है मामला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी के मौके पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने यूपी के लोगों को दी रामनवमी की बधाई, अयोध्या में सुबह सुबह उमड़ा भक्तों का सैलाब। देश भर में रामनवमी की धूम, अयोध्या में रामलला का होगा सूर्य तिलक। प्रियंका गांधी आज सुबह सहारनपुर में रोड शो करेंगी। ओमान में बाढ़ से तबाही, पुलिस ने पीड़ितों को एयरलिफ्ट किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से की मुलाकात। कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर गौतम गंभीर ने आईपीएल में ड्यूक बॉल के यूज की वकालत। मंगलवार को हुए केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच का मुकाबला दोनों टीमों की ओर से 200 से अधिक बने रन। कोलकाता नाइट राइडर्स को रोमांचक मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों आखिरी गेंद पर 2 विकेट की शिकस्त मिली। राजस्थान रॉयल्स के जोस बटलर के शतक ने सुनील नरेन की पारी पर पानी फेरा। बटलर ने आखिरी बॉल पर राजस्थान को जिताया, गौतम गंभीर मैदान की ओर दौड़े, नरेन को गले लगाया। गुजरात के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स को अहमदाबाद में मिली इकलौती जीत, आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। आईपीएल मैच में शुभम गिल ने गुजरात टाइटंस के लिए बनाए सबसे ज्यादा रन। सुनील नरेन से की रिटायरमेंट वापस लेने की मांग, वेस्ट इंडीज के कप्तान बोले, कब से उसे मैं मना रहा हूं, उम्मीद है वह मान जाएंगे। गुजरात टाइटंस फैंटेसी 11 में मोहित और खलील अपनी अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर शुभमन गिल को बन सकते हैं कप्तान। राजधानी दिल्ली के शकूरपुर इलाके में हुआ डबल मर्डर, पत्नी और उसके भाई की हत्या कर आरोपी फरार। एलजी सक्सेना ने केजरीवाल पर साधा निशाना, देश की राजनीति में मैंने आपके जैसी संकीर्ण सोच का शख्स नहीं देखा। असम के नलबाड़ी में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी बोले, पूरा देश कह रहा 4 जून को 400 पार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, एक की मम्मर जी बनाम 144 करोड़ के भविष्य का चुनाव है। इसराइल ने बीते 24 घंटे में गाजा में हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर किए हमले। कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका, पूर्व पार्टी विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति हुए बीजेपी में शामिल। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आज सुबह पीजी की छत से कूदकर एक छात्रा ने की आत्महत्या। इंडी गठबंधन के पक्ष में मजबूत लहर, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, बीजेपी पर हमला, 150 सीटों तक सिमटेगी भाजपा। पीएम मोदी बोले, 500 साल बाद ऐसी राममी आई जब राम अयोध्या में विराजमान है। पाकिस्तान में भारी बारिश और बिजली गिरने से हालात बिगड़े, अब तक देश में हुई 49 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले, कांग्रेस एक्सपायर और सपा समाप्त होने के कगार पर। सूर्य तिलक के लिए 50% घटाई गई किरणों की गर्मी, अष्टधातु के 20 पाइप, 65 फीट का सिस्टम, 4 मिरर और 4 लेंस से हुआ तिलक। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 29 नक्सलियों का हुआ एनकाउंटर, लंच के बाद मीटिंग की तैयारी में थे माओवादी, तभी जवानों ने घेर कर शुरू कर दी फायरिंग। केरल में बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल, लेकिन मोदी पॉपुलर कांग्रेस गठबंधन जीत सकता है, 15 से 18 सीटें, लेफ्ट को 2 से 4 मिलेंगी सीट। 3 बार के सीएम मोदी, पीएम को ममता क्यों नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा बोले, लोकसभा चुनाव में बड़ी गेम चेंजर साबित होंगी ममता बनर्जी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या 144 करोड़ से ज्यादा 77 साल में दोगुनी हुई। असम में रैली के दौरान मोदी बोले, असम को कांग्रेस ने पंजे में जकड़ रखा था, विपक्ष ने नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद को दिया खाद पानी दिया। वीवीपैट वेरिफिकेशन मामला में प्रशांत भूषण बोले, स्लिप बैलेट बॉक्स में डाली जाए, सुप्रीम कोर्ट बोला, वहां के एग्जाम्पल यहां नहीं चलते। सुप्रीम कोर्ट बोला, मॉब लिंचिंग को धर्म से जोड़ना बिल्कुल गलत, ऐसे मामलों में सिलेक्टिव न हो, याचिका में कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र नहीं था। तिहाड़ के एक कैदी पर 24,000 मंथली खर्च, डीजी बोले, 700 कैदियों को होटल इंडस्ट्री में नौकरी मिली, 1,200 को अस्पतालों में मिलेगा काम। रायपुर में मंगलवार रात से गायब था शख्स, रेलवे ट्रैक पर मिली सिर धड़ से अलग लाश, जताई जा रही आत्महत्या की आशंका। बिहार के पटना में युवक ने मां बहन के साथ गंगा में लगाई छलांग, लापता, कूदने से पहले चाचा को मैसेज किया, सब साथ में खुदकुशी करने जा रहे हैं।
अरुण गोविल के लिए पत्नी श्रीलेखा मांग रही वोट, पति के लिए प्रचार में उतरी, महिलाओं के बीच पहुंची और हाथ जोड़कर कर रही अभी। 261 साल से चल रहा अखंड रामनाम जप श्मशान में बैठकर संत ने किया था शुरू, अब देश भर में 1400 रामद्वारे। जयपुर में पुलिसकर्मियों ने बेटे के सामने पिता को पीटा, बुजुर्ग महिला के साथ महिला पुलिसकर्मी ने भी की हाथापाई, चार लोगों को किया गिरफ्तार। जीनत के लिविन वाले कमेंट पर मुमताज ने कसा तंज बोली, जिनकी शादी खुद नर्क रही हो वो रिश्तों पर सलाह ना दें। लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ कल होगा ओपन, इसमें 22 अप्रैल तक निवेश का मौका, कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए 5,400 करोड़। ईरान ने जब्त किए जहाज से रिहा किए पाकिस्तानी, भारतीयों की जानकारी नहीं, विदेश मंत्रालय ने कहा था हमारे अधिकारी उनके संपर्क में हैं।